हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, क्लास ट्वेल्थ के लिए एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट कर रहे हैं। यहां अपना टॉपिक है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो देखिए, यहां पर एक यूनिट होती है आपकी वाई, इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब देखिए, आपका डेल्टा वाई क्या होता है? डेल्टा वाई चेंज इन वाई, ठीक है। अब यहां से नेक्स्ट देखिए, एक्स क्या होता है आपका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और यहां डेल्टा एक्स क्या होता है? कॉरेस्पोंडिंग स्मॉल चेंज इन एक्स, ठीक है। तो यहां से देखिए, अगली यूनिट क्या बनेगी? डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। ये क्या बना है आपका? एवरेज चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एवरेज चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखिए, एज डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, देन लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। और ये कैसा चेंज कहलाएगा? ये कहलाएगा एक्चुअल चेंज, चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इसको हम एक्चुअल चेंज या इंस्टेंटेनियस चेंज या इंस्टेंट चेंज कहेंगे। किसके अंदर? वाई के अंदर। किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम यहां पर डेरिवेटिव को पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में डेरिवेटिव एज ए चेंज, ठीक है भाई। तो डीवाई बाई डी एक्स का मतलब क्या रहेगा? चेंज इन वाई, मतलब कि एक्चुअल चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब देखिए, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को हम करते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, कुछ बेसिक पॉइंट और पढ़ते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है बच्चों। यहां पर ध्यान से देखिए, हैशटैग लगा रहा हूं। ए का मतलब एरिया होगा, वी का मतलब वॉल्यूम होगा, सी का मतलब सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस होगा, आर का मतलब रेडियस होगा, एस का मतलब सरफेस एरिया होगा, ठीक है भाई। पी का मतलब पैरामीटर होगा, ठीक है भाई। तो यहां देखिएगा, नंबर वन, डी ए बाई डी आर का मतलब, इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट
टू रेडियस विद रेस्पेक्ट टू रेडियस आर। ठीक है, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, दैट इज ये कैसे डी ए ओवर डी आर लिखा जाएगा, स्क्वेयर यूनिट, स्क्वेयर यूनिट्स पर यूनिट, मतलब मीटर दे रखा हो, स्क्वेयर मीटर पर मिनट पर मीटर, मीटर दे रखा हो स्क्वेयर मीटर पर मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर दे रखा हो स्क्वेयर सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, इस प्रकार से। ठीक है, तो दूसरा देखिए, डी ए बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी। अब टाइम टी आपको मिनट्स दिया जा सकता है, सेकंड दिया जा सकता है और आवर दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहां से आप इसको क्या क्या लिख सकते हैं, डी ए ओवर डी टी, डी ए ओवर डी टी स्क्वेयर यूनिट, स्क्वेयर यूनिट पर सेकंड, सेकंड में टाइम दिया है। ठीक है, या फिर क्या लिख सकते हैं, पर मिनट पर आवर, आप मतलब कि सेकंड में दिया तो पर सेकंड लिखेंगे, पर आवर दिया है, ठीक है भाई, पर मिनट दिया है तो टाइम, इस प्रकार से आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक है भाई, टाइम का, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज डी ए बाई डी टी बनेगा। ठीक है, नंबर तीन, नंबर तीन, डी वी बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट, विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी क्या बनेगा, डीवी बाई डी टी, दैट इज डीवी बाई डी टी, तो क्या आएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक यूनिट बोल देंगे हम, क्यूबिक यूनिट्स पर सेकेंड, ये यूनिट मीटर सेंटीमीटर आपको दिया होगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है भाई, क्यूबिक यूनिट पर सेकेंड, ठीक है, ये टाइम, सेकेंड टाइम को डिनोट करता है, तो सेकेंड में दिया हो, मिनट में दिया हो या आवर में दिया हो, तो पर आवर पर सेकेंड वो क्वेश्चन के हिसाब से देख लेंगे। नंबर चार, डी आर बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रेस्पेक्ट टू, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम टी, तो कैसे डिनोट किया जाएगा, दैट इज डी आर बाई डी टी। ठीक है, इसी प्रकार सरफेस एरिया डी एस बाई डी टी, ठीक है भाई, इसी प्रकार पैरामीटर डीपी बाई डी टी, तो ये आगे हम लिख के बताएंगे आपको। देखिए यहां से सरफेस एरिया एस को डी एस बाई डी टी क्या लिखेंगे, स्क्वेयर, स्क्वेयर यूनिट्स पर यूनिट, ठीक है भाई, पर सेकंड। ठीक है, यहां से आपका डीसी बाई डी टी यूनिट्स पर यूनिट, ठीक है भाई, ये सारी टर्म्स थी जो हमारी इसके अंदर यूज होंगी। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज, देखो बच्चों एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, क्या कह रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर, आर के रेस्पेक्ट में, हाउ फास्ट द एरिया चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू रेडियस वैन रेडियस कितनी दे रखी हो, 3 सेंटीमीटर। तो यहां से सॉल्यूशन देखिएगा, सॉल्यूशन लेट आर बी द रेडियस, आर बी द रेडियस, ठीक है भाई,
एंड ए बी द एरिया ऑफ सर्कल टू फाइंड डी ए बाई डी आर व्हेन आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए यहां से क्लियरली वी नो दैट ए क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर। यहां पर ए क्या है, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो यहां से डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर वी गेट। तो देखिए बच्चों क्या आएगा, डी बाई डी आर, एरिया को डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी आर पाई आर स्क्वायर। तो यहां से देखिए क्या आया बच्चों, डी ए बाई डी आर, यहां से पाई बार कॉन्स्टेंट डी बाई डी आर आर स्क्वायर आ जाएगा बच्चे। तो यहां से डी ए बाई डी आर क्या आया, पाई टू आर, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 2r। तो देखिए बच्चे यहां से आपका आ गया है डी ए बाई डी आर, एरिया के अंदर जो चेंज है वो कितना आ गया है, 2πr स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। ठीक है, वेन लास्ट में कह रखा था कि इसका चेंज बताना है जब रेडियस कितनी हो 3 सेंटीमीटर। वेन r बराबर 3 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, सो क्या हो जाएगा, डी ए बाई डी आर 2π, और यहां r की जगह क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे, तो कितना आएगा, 6π स्क्वेयर सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। तो यहां से देखिए आपका आंसर आ गया है डी ए बाई डी आर 6π स्क्वेयर सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। ये आपका एरिया के अंदर चेंज है, ये आपका क्या है, एरिया के अंदर चेंज है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है भाई, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन करेंगे इसका। देखिए क्या लिखा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू इट्स डायमीटर, डायमीटर के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम में चेंज निकालना है। अगर मैं डायमीटर को डी ना लेके के लूं, क्या है डायमीटर, तो यहां से वॉल्यूम के अंदर चेंज बताना है विद रेस्पेक्ट टू डायमीटर। डायमीटर क्या है, डीवी बाई डी के, ये आपने निकालना है। ठीक है भाई, तो देखिए यहां से क्या आएगा, लेट आर बी द रेडियस के बी द डायमीटर एंड वी बी द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो देखिए यहां से क्या आएगा, टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम में चेंज दिखाना है, डीवी बाई वॉल्यूम में चेंज किसके रिस्पेक्ट में, डायमीटर में, डीवी बाई डी के, ये आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो देखिए क्लियरली वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, वी 4/3 πr³, ये वी है क्या, क्या मान रखा है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये माना हुआ है। ठीक है बच्चों, तो यहां से देखिएगा आपको वहां पर जो वैल्यू दे रखी है, यहां से देखिए रेडियस का डबल होता है आपका डायमीटर, तो यहां से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k/2। तो यहां पर वैल्यू लगाइए, क्या आएगा, v इक्वल टू
फोर बाई थ्री पाई के बाई टू होल क्यूब। तो यहां से देखिए बच्चों क्या आएगा, v इक्वल टू फोर बाई थ्री पाई के क्यूब बाई एट। कट करेंगे कितने भी टू पर कट करेगा तो क्या आएगा बच्चे, v इक्वल टू पाई के क्यूब बाई सिक्स। ठीक है, तो यहां से आपको v मिल चुका है पाई बाई सिक्स के क्यूब। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू के वी गेट। तो देखिए क्या आएगा, डी वी बाई डी के, डी बाई डी के किसका, पाई बाई सिक्स के क्यूब। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, पाई बाई सिक्स बाहर आ जाएगा, डी बाई डी के क्यूब क्या आएगा बच्चे, पाई बाई सिक्स थ्री के स्क्वेयर। ये इसको कट करेगा टू पर, तो बच्चे यहां से डी वी बाई डी के कितना बचा बेटा, पाई बाई टू के स्क्वेयर। क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक यूनिट्स पर यूनिट, पर यूनिट। ठीक है भाई, क्योंकि वॉल्यूम था इसलिए क्यूबिक यूनिट्स पर यूनिट। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, आज के लेक्चर में इतना ही, आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में आपको देखने को मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।